हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार, मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रवेश जिसके अंदर हमारे पास पेपर चल रहा है मैकेनिक्स ही, पेपर फिफ्थ है और इसके अंदर यूनिट फर्स्ट में आज हम लेक्चर टू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर वन के अंदर बता दिया था कि आज इसके अंदर हमारे पास बुक कौन से रहने वाली है, डायनेमिक्स ऑफ है रिजिड बॉडी। तो अगर आपने इसका लेक्चर वन नहीं देखा है तो इस लेक्चर टू को देखने से पहले लेक्चर वन को देखिए, क्योंकि हम उसी लेक्चर वन को ही कंटिन्यूसली यहाँ कर रहे हैं। देखो, लास्ट लेक्चर वन में हमने क्वेश्चन लिखा था कि स्टेट एंड प्रूव डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ होगा, स्टेट एंड प्रूव डी अलम्बर्ट से प्रिंसिपल, ठीक है। आज हमें इसका प्रूफ करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर इसका स्टेटमेंट ही बता दिया गया था। देखो, आप एक बार पढ़ सकते हो इसका, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ मोशन, यानी किसी भी परिस्थिति के अंदर गति में, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर्म ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अमोंग देमसेल्स, ठीक है। तो ये लेक्चर वन के अंदर मैंने इसकी डेफिनेशन को समझा दी थी। आज इसके अंदर हम इसका प्रूफ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ में क्या लिखेंगे कि लेट पी बी ए पार्टिकल। प्रूफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले लिखो मेरे साथ साथ, फिर मैं समझाता हूँ कि लेट ए कैपिटल पी बी ए पार्टिकल, पी बी ए पार्टिकल ऑफ मास एम, पी बी ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, लेट पी बी ए पार्टिकल इस मास स्मॉल एम वोज कोऑर्डिनेट्स आर, वोज कोऑर्डिनेट्स आर पी एक्स वाई जेड। यानी हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम है, और उसके क्या है कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, और मूविंग विद द बॉडी एंड कैपिटल एक्स वाई जेड बी द कॉम्पोनेंट्स ऑफ, लास्ट लेक्चर के अंदर समझा दिया था भाई, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। जैसे क्या बताया था लास्ट टाइम में कि हमारे पास कोई पार्टिकल है पी, इसका मास क्या होगा स्मॉल एम, और किसी टाइम टी के ऊपर माना किसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। अब जैसे ये मोशन में जाएगा, मूविंग करेगा, कभी हमारे पास एक्स एक्सिस की पैरेलल होगा, उस वक्त हमने कंपोनेंट मान लिया इसका एक्सटर्नल फोर्सेस का कैपिटल एक्स। कभी ये वाई डायरेक्शन की ओर जाएगा तो कैपिटल वाई माना, जेड डायरेक्शन की ओर जाएगा तो इसे कैपिटल जेड इसके एक्सटर्नल फोर्सेस के कॉम्पोनेंट लिए, जहाँ हमने ऐसे लिखा था कि एम एक्स डबल डॉट कैपिटल एक्स एम वाई डबल डॉट स्मॉल वाई है, एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू कैपिटल वाई स्मॉल एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू कैपिटल जेड। प्रीवियस लेक्चर में दे रखा है, इसको समझा रखा है, वहाँ से इसको समझ के ही इस लेक्चर को देखोगे। तो देखो, सबसे पहले डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल के प्रूफ के अंदर हम क्या लिख दिया कि लेट पी बी ए पॉइंट या पी बी ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ऑफ मास एम वॉज कोऑर्डिनेट आर पी एक्स वाई जेड, वॉज कोऑर्डिनेट्स आर पी एक्स वाई जेड मूविंग विद द बॉडी। यानी इस पूरी बॉडी के साथ ही क्या है, मतलब ये पार्टिकल है, इस पूरी पार्टिकल ये बॉडी अपने साथ लेके जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, मूविंग विद द बॉडी एंड कैपिटल एक्स वाई जेड बी द कॉम्पोनेंट ऑफ ए एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड कैपिटल एक्स वाई जेड बी द कॉम्पोनेंट ऑफ ए एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। एक तो हमारे पास ये लाइन लिखने में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह सेम लाइन से मूविंग पार्टिकल ऑफ है मोशन के अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ मोशन द रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस। अब हम क्या करेंगे कि लेट स्मॉल एफ बी, देखो अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई, लेट स्मॉल एफ बी रिजल्टेंट एस्केलरेशन, लेट स्मॉल एफ बी रिजल्टेंट यानी परिणामी त्वरण है, लेट स्मॉल एफ बी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन से वोज कंपोनेंट्स आर एक्स डबल डॉट
y डबल डॉट स्मॉल z डबल डॉट अलोंग x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, अलोंग x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, along x, y and z axis respectively, then the reverse defective force, समझाऊंगा मैं इस बात को भी, then the reverse effective force, पहले लिखो, then the reverse effective force, वैसे मैं लास्ट लेक्चर में ये भी बता चुका हूँ कि reversed effective force क्या होता है भाई, then the reversed effective force, then the reversed effective force on the particle will be on the particle will be mf, will be mf, ठीक है। आप ऐसे समझिए, लेक्चर वन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया था कि कंपोनेंट x किसके बराबर होता है m x डबल डॉट के, कंपोनेंट y किसके बराबर होता है m y डबल डॉट के, कैपिटल z किसके बराबर होता है स्मॉल m z डबल डॉट के। वैसे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है f इज इक्वल टू एम ए, सॉरी न्यूटन का सेकंड रूल क्या कहता है, बल इज इक्वल टू f इज इक्वल टू एम ए। आज हमें रिवर्स इफेक्टिव फोर्स लेना है, आज हमको क्या करना है भाई कि लेट रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस, रिवर्स का मतलब वो उल्टी दिशा में चल रहा है, इफेक्टिव फोर्स क्या हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए, तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा भाई माइनस एम ए, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस एम ए। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन के लिए लूंगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस एम एक्स डबल डॉट, वाई डायरेक्शन के लिए लूंगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस एम वाई जेड डबल डॉट, और जेड डायरेक्शन के लिए लूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस एम जेड डबल डॉट। लिखना नहीं है, केवल समझो एक बार, क्योंकि हमने किया है कि ये भी हमारे पास क्या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट रिवर्स के अंदर, आज इसके अंदर हम पीछे माइनस का साइन लगा देंगे, या फिर देखो ध्यान से ये माइनस का साइन उठा के आप इधर भी तो लगा सकते हो, ये माइनस का साइन उठा के आप इधर भी तो लगा सकते हो, मतलब हमारे पास त्वरण की जगह कौन आया, ए की जगह एक बार तो आ गया एक्स डबल डॉट, एक बार आ गया वाई डबल डॉट, और एक बार क्या आ गया जेड डबल डॉट। अब मैं बोलूँ इसका परिणामी त्वरण क्या होगा, मैं बोलूँ भाई इसका परिणामी त्वरण क्या होगा, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का होल स्क्वायर, या फिर ये माइनस साइन इधर नहीं रहने देते हो तो कोई बात नहीं इधर ले जाओ, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये किसके अंदर हो जाएंगे प्लस के अंदर, यानी हमारे पास किसके अंदर आ गया इसका त्वरण एक्स डबल डॉट का होल स्क्वायर से वाई डबल डॉट का होल स्क्वायर और जेड डबल डॉट का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं पूरी ही कैलकुलेशन आपको बताना चाहूँ तो आप इसको ऐसे समझो, कहीं आपको ऐसे ना हो कि भाई मैंने यहाँ डायरेक्ट बता के और यहाँ मैंने पीछा छुड़वा लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से समझो। ये बात आपने कन्फर्म सीखी है एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, वाई इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट, जेड इज इक्वल टू एम जेड डबल डॉट। आज हमें क्या करना है रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है तो इसके पीछे हमको माइनस का साइन लगाना है, इसके पीछे हमको क्या लगाना है भाई माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि ये इक्वेशन हम कहाँ से लेके आए थे F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए हमारे पास इफेक्टिव फोर्स होता है, पहले तो आप ये बात ध्यान में रखो, रिवर्स लगाएंगे इसका मतलब इसके पीछे माइनस का साइन आ गया। अब वास्तव में हमारे पास कितने त्वरण आ गए, तीन त्वरण आ गए एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन का और जेड डायरेक्शन का। अब मैं बोलूँ भाई आप इसका परिणामी त्वरण बताओ, हम क्या बोले भाई आप इसका परिणामी त्वरण यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताओ, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन में आप क्या लिखोगे कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड का होल स्क्वायर, या फिर माइनस एम एक्स डबल डॉट का होल स्क्वायर, देखो या फिर माइनस एम एक्स डबल डॉट का होल स्क्वायर से माइनस एम वाई डबल डॉट का होल स्क्वायर और माइनस एम जेड डबल डॉट का होल स्क्वायर। तो बताओ माइनस माइनस किसके अंदर हो गई प्लस के अंदर, क्या मैं पूरे के अंदर एम स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, देखो एम स्क्वायर एक्स डबल डॉट का होल स्क्वायर एम वाई स्क्वायर डबल डॉट का होल स्क्वायर एम स्क्वायर जेड डबल डॉट का होल स्क्वायर। एम स्क्वायर को मैं बाहर निकाल के लाऊंगा तो देखो हमारे पास कितना बचेगा भाई, देखो एम स्क्वायर को हम बाहर निकाल के लाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा m, और रूट के अंदर कितना आ गया x डबल डॉट का होल स्क्वायर y डबल डॉट का होल स्क्वायर और z डबल डॉट का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको एक बार स्मॉल f से लिख सकता हूं, देखो क्या मैं इस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को, ये किसके बराबर है भाई रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी परिणामी त्वरण के बराबर है, क्या मैं इसे स्मॉल f नाम दे दूं,
जो लेक्चर वन में बताते वक्त मैंने इसको माइनस एम एफ लिख दिया था गलती से, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास वास्तव में रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कितना आया, एम एफ। यही बात मैंने इधर लिखी है कि लेट स्मॉल एफ बी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो वास्तव में स्मॉल एफ किसके बराबर है, इसके बराबर। वोज कॉम्पोनेंट्स आर एक्स डॉट डबल डॉट वाई डबल डॉट एंड जेड डबल डॉट अलोंग द, ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर, जेड डायरेक्शन के अंदर रिस्पेक्टली, देन द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स विल बी ऑन द पार्टिकल विल बी एम एफ, ऑन द पार्टिकल विल बी एम एफ। आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि ये जो एफ है ये हमारे पास वास्तव में किसका सिंबल है, एक्स डबल डॉट का होल स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का होल स्क्वायर प्लस z डबल डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो बताया था इक्वेशंस पार्टिकल ऑफ मोशन बताया था ना, उसी की ये बात है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पार्टिकल मोशन के अंदर है। और ये बात हमने यहाँ लिख दी कि P है वो मूविंग विद द बॉडी है। देखो ध्यान देना, सिस्टम अलग है, आप ऐसे समझो कि ये जो है अक्ष वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये तो हमारे पास क्या है, एक तंत्र है या एक सिस्टम है। इसके अंदर ये हमारे पास एक बॉडी है, ये इसके अंदर हमारे पास एक बॉडी है और इसके अंदर छोटा सा एक छोटे छोटे काफ़ी सारे पॉइंट हैं, ये हमारे पास पार्टिकल हैं। तो पार्टिकल अलग है, बॉडी अलग बात है और सिस्टम हमारे पास है अलग बात है। इन तीन चीज़ों को अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि लेट स्मॉल एफ बी द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन से वॉज कॉम्पोनेंट्स आर एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस से अलोंग स्मॉल एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देन द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी एम एफ, ठीक है। अब यहां लिखोगे नाउ बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ, नाउ बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ, नाउ बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड रूल क्या कहता है भाई, एफ इज इक्वल टू एम ए। देखो न्यूटन का सेकेंड रूल्स क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है भाई। यहाँ हमारे पास बल कौन सा है, एम, एक्सेलरेशन कौन काम कर रहा है, अब की बार एफ काम कर रहा है। फोर्स हमारे पास क्या हो गई, पी प्लस क्यू, फोर्स हमारे पास क्या हो गए, पी प्लस क्यू। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन वन, फोर्स हमारे पास क्या हो गए, पी प्लस क्यू। अब आप बोलोगे सर ये पी क्या है और ये हमारे पास है क्यों क्या है, देखो ये बात लिख ली ना, तो अब हम बताएंगे कि वहाँ पी हमारे पास क्या है, कैपिटल पी है और कैपिटल क्यू हमारे पास है क्या है। देखो न्यूटन का सेकेंड रूल से वो यही कहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए और एक त्वरण की जगह हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल एम एफ आ गया। देखो एक ही जगह हमारे पास क्या हो गया भाई, स्मॉल एम एफ आ गया। तो इस फोर्स की जगह क्या बचे मेरे पास है, पी प्लस क्यू। अब आपको लिखना है वेयर कैपिटल पी इज, पहले लिखो इसको, वेयर कैपिटल पी इज एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नल फोर्सेस, वेयर पी इज एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द बॉडी। देखो एक इफेक्टिव फोर्स अलग बात होती है और जो बाहर से कोई अदृश्य बल हमें दिखाई नहीं देगा वो हमारे पास क्या होता है, वेयर कैपिटल पी इज एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द बॉडी एंड कैपिटल क्यू बी म्यूचुअल फोर्स, एंड कैपिटल क्यू हमारे पास क्या है भाई, म्यूचुअल एक्शन ऑफ द बॉडी, म्यूचुअल, इसको भी समझेंगे भाई, म्यूचुअल एक्शन ऑफ द बॉडी। आप तो साथ साथ इसको उतारते रहो, क्यों बी द म्यूचुअल एक्शन ऑफ द बॉडी, यस। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ काम में लेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए और एक ही जगह हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एम एफ चल रहा है, तो हमने क्या लिख लिया, एम एफ है, और फोर्स को हमने लिख लिया पी प्लस क्यू, और P क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्सेस है ऑफ द बॉडी के अंदर, एंड कैपिटल Q क्या है, म्यूचुअल एक्शन ऑफ द बॉडी। Q हमारे पास क्या है, म्यूचुअल एक्शन ऑफ द बॉडी। तो आप इस चीज को एक बार फिर से समझोगे, तीन चीजें हमारे पास साथ साथ काम में करेंगे भाई। ये डायरेक्शन है X, Y और Z, X, Y और Z, इसको तो हम बोलते हैं सिस्टम, और पूरा नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको वास्तव में कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मान के चलो कि अपन जो बॉल से खेल रहे हैं वो हमारे पास बॉल है
और ये दर्ड बॉल है, रिजिड बॉल है, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी। और इसके अंदर काफी सारे पार्टिकल हैं, हम कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पार्टिकल पी। तो एक पार्टिकल, एक बॉडी और एक सिस्टम, तीनों हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं। अब आप सोच के देखो, जैसे ही हम इस बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेके जाएंगे, देखो ध्यान देना, जैसे ही मैं इस बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेके जाऊंगा, तो ये बॉल किसके अंदर आ गई, मोशन के अंदर आ गई, या आप बोल सकते हो ये बॉल क्या कर रही है, गति कर रही है या मूविंग है। उस वक्त इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा भाई, एक तो एक्सटर्नल फोर्स, एक तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगा। भाई हम बॉल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भेज रहे हैं, जैसे ऐसे सोचो कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और जैसे बच्चे के पास बॉल आई, बच्चे ने बैट से उसे बॉल को मारा, देखो जैसे ही मान लो बॉल इधर आई, बच्चे ने बैट से बॉल को मारा और बॉल मेरे पास पोजिशन ए से पोजिशन बी की ओर आ गई, ठीक है। बॉल हमारे पास एक बॉडी है और उसके अंदर एक पार्टिकल ले लिया हमने, ऐसे उसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं और कंडीशन क्या थी कि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वह तो आप समझ जाओगे बॉल हमारे पास ऐसी कैसी चलेगी। अब जैसे ही बच्चे ने बैट से मारा इसको, तो बैट से मारने की वजह से इसके पास क्या रिड्यूस हो गया, एक फोर्स यानी उत्पन्न हो गया या रिड्यूस हो गया, उस फोर्स को तो हमने नाम दिया इफेक्टिव फोर्सेस। जो भी हम फोर्सेस डालेंगे, जैसे बच्चे ने बैट से उसको मारा, तो उसके अंदर जो बल पैदा हुआ वो कौन सा फोर्स हुआ भाई, इफेक्टिव फोर्सेस। देखो वो बल हमारे पास कौन सा लगा, इफेक्टिव फोर्सेस। तो हमने लिख रखा है कि इफेक्टिव फोर्स लगेगा एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसके अंदर एक पार्टिकल तो हम लेके चलेंगे, बहुत सारे पार्टिकल हैं, सबके ऊपर एक साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक्टिंग फोर्स है वो इफेक्टिव फोर्स है वो एक्टिंग करेगा या लगेगा ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी। अब देखो जैसे ही बॉल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, तो हवा का इसके ऊपर दबाव होगा कि नहीं होगा, एयर प्रेशर होगा, उस वक्त टेम्परेचर का भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, यानी ये फोर्सेस हमें दिखाई नहीं देते, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक एक्सटर्नल फोर्सेस से काम में आएगा। देखो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगा। अब जिस बॉल से आप खेल रहे हैं उस बॉल का कोई ना कोई वेट तो होगा भाई, तो यानी इस बॉल के ऊपर हमारे पास W इज इक्वल टू एम जी, यानी उसके ऊपर बॉडी वेट भी काम करेगा, तो बॉडी वेट भी अपने आप में क्या है, एक फोर्स है। बॉडी वेट भी अपने आप में क्या है, एक फोर्स है। नॉर्मली हमें फोर्सेस नहीं दिखाई दे सकता, बट जैसे मान लो कि एक साइकिल है, एक साइकिल के ऊपर आप 100 केजी के व्यक्ति को बिठाने से पहले सोचोगे, देख भाई तू कहाँ बैठ रहा है, क्योंकि उसका बॉडी वेट है उसके ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। तो हम बोलेंगे नहीं भाई आप इसके ऊपर मत बैठो, ये छोटे बच्चों की साइकिल से ये टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे पास बॉडी वेट का भी इफेक्ट होता है। तो एक तो हमारे पास क्या लगे, एक्सटर्नल फोर्सेस, और एक हमारे पास क्या लगे, बॉडी वेट। तो इसको तो हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल पी, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, बॉडी वेट को कैपिटल क्यू। तो ये फोर्स हमारे पास, टोटल फोर्स कितना हो गया, बॉडी वेट प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्सेस। ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल बैलेंस बनाएंगे, तभी बॉल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पहुंचेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये बात क्लियर होनी कि वास्तव में इफेक्टिव फोर्स, तो आप एग्जांपल समझ लो कि जैसे ही बच्चे ने बैट से बॉल को मारा, तो उस वक्त जो फोर्स रिड्यूस हुआ वो तो हमारे पास इफेक्टिव फोर्सेस हैं, उसके अंदर जो हवा का वेग लगेगा वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और उस खुद बॉल का वजन होगा, बॉडी वेट फोर्स है, वो हमारे पास है, हमने नाम दे दिया क्यों। तो हमारे पास वास्तव में क्या हो गया, न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए, और ये आप समझ गए कि A की जगह हमने क्या रख दिया, F रख दिया। टोटल फोर्स हमारे पास कितना हो गया, P प्लस क्यू। अब P को हम क्या लिखेंगे, P इज एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी एंड Q भी म्यूचुअल एक्शन, आप ऐसे बोल सकते हो कि पारस्परिक क्रिया है या फिर एक प्रकार से बॉडी वेट है ऑफ द बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो हमने लिख दिया कैपिटल क्यू बी म्यूचुअल एक्शंस ऑफ द बॉडी। अब ध्यान दो, ये हम किसके लिए लेके आए, केवल एक पार्टिकल के लिए लेके आए हैं। देखो वही हमारे पास सिस्टम, वही हमारे पास बॉडी, और ये हमारे पास पार्टिकल। ये तो हमने बात की है केवल एक पार्टिकल की, अब हमको क्या करना है, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, यानी हर पार्टिकल की कहानी लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे भाई, बताओ सारे पार्टिकल का वजन मिला के किसके बराबर रहेगा, बॉल के वजन के बराबर। अरे भाई मान के चलेंगे कि इस छोटे से पार्टिकल का मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका मास M3 है, M4 है, सारा मास किसके बराबर आएगा, इस बॉल के मास के बराबर।
भाई m किसके बराबर आएगा, समेशन m के। तो अब हम क्या कहेंगे कि नाउ नाउ फॉर ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, नाउ फॉर ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ये बुक से दो लाइनें हैं, समझ में आ जाएगा, बट आपको अच्छे से समझोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। नाउ फॉर ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, अब आप क्या करोगे, इसके समेशन लगा लो, एम के क्या लगाना है, समेशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन पी प्लस समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन एम एफ, समेशन पी प्लस समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन एम एफ। इक्वेशन वन के लिए आ गए ना, कि भाई ये तो हमारे पास केवल वन पार्टिकल की बात चल रही थी, अब हमारे पास ईच पार्टिकल लेके चलना है, तो ईच पार्टिकल के लिए इसके हम क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, समेशन पी प्लस समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन से एम एफ, ठीक है। अब देखो आप फिर से एक छोटी सी बात सोचो कि जैसे ही वो बॉल, बच्चे ने बैट से बॉल को मारा, बॉल के अंदर इफेक्टिव फोर्स हुआ, बॉल पोजीशन ए से बॉल पोजीशन से बी की ओर पहुंच गई और उसके ऊपर इफेक्टिव फोर्सेस लगा, ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, इफेक्टिव फोर्स लगा और इस बॉल का बॉडी वेट भी है, इस बॉल का क्या है, हमारे पास बॉडी वेट भी है। अब यहाँ हवा का फर्क स्टार्टिंग में कुछ और हो सकता है और जैसे ही बॉल आगे जाएगी वहाँ उसमें हवा की वजह से जो बाहरी फोर्स लग रहा है, इफेक्टिव फोर्स, वो कुछ और हो सकता है। तो ये तो हमारे पास एक वेरिएबल बन गया, और वेरिएबल क्या होते हैं वैसे, जो स्थिति में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, मतलब जिसमें चेंज हुई वही हमारे पास क्या वेरिएबल। बट बताइए क्या बॉडी वेट के अंदर चेंज होगा, नहीं। अगर स्टार्टिंग में बॉल हमारे पास मान लो 50 ग्राम की है तो लास्ट में जो दूसरा बच्चा लेके आएगा उसके हाथ में भी बॉल हमारे पास 50 ग्राम की ही होगी, यानी बॉडी वेट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और बॉडी वेट को हमने किसे डिनोट किया है, म्यूचुअल एक्शन बोल सकते हो, कैपिटल क्यू से, यानी समेशन क्यू हमारे पास क्या है, जीरो है। तो अब इसी बात को लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, समझ गए ना, कि बॉडी वेट की वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि अगेन सीन से एक्शन एंड रिएक्शन। अब हम क्या बोलेंगे कि अगेन सीन से एक्शन एंड रिएक्शन, अगेन सीन से एक्शन एंड रिएक्शन से ऑफ द बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शन से ऑफ द बॉडी, बताओ आगे क्या लिखूं, एक्शन एंड रिएक्शन से ऑफ द बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शंस ऑफ द बॉडी आर इटसेल्फ इन इक्विलिब्रियम, आर इटसेल्फ इन इक्विलिब्रियम, इटसेल्फ इन इक्विलिब्रियम, आई ई समेशन क्यों हमारे पास जीरो है, समेशन क्यों हमारे पास जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में बॉल का वेट वही रहेगा और दूसरे पॉइंट के ऊपर भी बॉल का वेट वही रहेगा, यानी उसके ऊपर जो एक्शन रिएक्शन होगा, तो हमने लिख दिया कि अगेन सिंस एक्शन एंड रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का मतलब बॉल, उस बॉल के ऊपर इट सेल्फ इन इक्विलिब्रियम, वो खुद से ही अपने आप में क्या है, इक्विलिब्रियम है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब समेशन क्यों इज इक्वल टू जीरो। और ये समेशन क्यों जीरो आप इक्वेशन वन में रखो और इसको बोलो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, समेशन पी प्लस जीरो इज इक्वल टू समेशन एम एफ और समेशन पी इज इक्वल टू समेशन एम एफ। या तो आप इसे ऐसे लिखो या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि समेशन पी प्लस समेशन, इसको इस साइड में ले आओ, माइनस एम एफ इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर ले आओ, या फिर आप इसको ये ही रहने देना, ठीक है, समेशन पी इज इक्वल टू समेशन एम एफ। अब आप बताइए पी क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस, और एम एफ क्या है, हमारे पास इफेक्टिव फोर्सेस, रिजल्टेंट इफेक्टिव फोर्सेस। अब इसको देख के आप डे लंबर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बोलो कि समेशन पी इज इक्वल टू समेशन एम एफ, तो मैं क्या बोलूंगा, अंडर ऑल द सर्कमस्टेंस ऑफ मोशन, अंडर ऑल द सर्कमस्टेंस ऑफ ए मोशन से द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, समेशन का मतलब क्या गया, एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज या एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द बॉडी आर इक्विलिब्रियम इन अमोंग देमसेल्व्स। तो अब इसको आप देख के बोल सकते हो, अंडर ऑल द सर्कमस्टेंस ऑफ मोशन सी द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स,
द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन, समेशन का मतलब ईच पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स। देखो समेशन पी क्या था हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्सेस है, फॉर्म ए सिस्टम, जो सिस्टम के ऊपर लगा हुआ था, इज इक्विलिब्रियम अमंग देमसेल्व्स, यानी दोनों क्या है, बराबर है या इक्विलिब्रियम है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, सो वी से दैट, देखो लास्ट ही लास्ट में इसके फिर से लिखना है, सो वी से दैट, और ऐसा का ऐसा आप स्टेटमेंट लिख देना। यस ऐसा का ऐसा आप स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल था। वैसे बहुत ही छोटा सा दे रखा है आपकी बुक में, चार लाइनें लिख रखी हैं, बट बुक की चार लाइनें ऐसे समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मन में कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि समेशन क्यों अचानक से जीरो क्यों आ गया। आप कोई भी सिंबल दे सकते हो, जरूरी नहीं है पी ही और पी और क्यों ही दो, मैं भी चलो बुक के लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट यहाँ जो भी सिंबल दो उसका ध्यान रखना। तो अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हमारे पास इफेक्टिव फोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, बॉडी फोर्स क्या होता है, बॉडी फोर्स को लिखने का नया नाम क्या जाएगा, म्यूचुअल एक्शन ऑफ द बॉडी, सिस्टम क्या है, बॉडी क्या है और पार्टिकल क्या है। ये तीन चीजें, तीन नाम है, वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट इन तीनों में एक दूसरे रात दिन का अंतर है। तो ये हमारे पास है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना होगा। यस डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या बोलोगे भाई, तो आप समेशन पी इज इक्वल टू समेशन एम एफ से इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो जब तक मैं रफ कर रहा हूँ, एक बार आप इसके अंदर बोल के प्रैक्टिस करो। कैसे बोलोगे भाई, अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ द मोशंस द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन, समेशन की वजह से क्या बोलेंगे, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फॉर्म द सिस्टम्स इज इक्विलिब्रियम अमोंग देमसेल्व्स, इज इक्विलिब्रियम अमोंग देमसेल्व्स। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल और इसका स्टेटमेंट जो एग्जाम में पूरे 10 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जेपीएस की बुक में पेज 62 के ऊपर है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशन। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे 2.05 की है, 2.05 है जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशंस। टॉपिक का नाम क्या डालेंगे भाई, जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशन। यस जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशंस। वैसे अगर मैं ऐसे बोलूं सेम टू सेम बुक, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। आप इसके अंदर ऐसा का ऐसा बुक में देख सकते हैं, मैं भी सेम लिखूंगा, बस कुछ एक स्टेप्स हैं जो मैं आपको समझा दूंगा और आपको डायरेक्ट यादें रखनी है। आज हमारे पास क्या कि जो इक्वेशंस हैं, कौन सी इक्वेशन भाई, याद है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल। देखो मोशन ऑफ ए पार्टिकल था हमारे पास, मोशन ऑफ ए पार्टिकल क्या था हमारे पास, मोशन ऑफ पार्टिकल एम एक्स डबल डॉट ए, एम वाई डबल डॉट ए और एम जेड ए डबल डॉट, ये किसके बराबर लिया था हमने, एक्स के बराबर, या फिर इसको हमने ऐसे लिखा था एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट बराबर जीरो। दूसरा हमने क्या लिखा था, एम वाई डबल डॉट या कैपिटल वाई एम वाई डबल डॉट बराबर जीरो, से इसके अंदर से ये घटा दो, या कैपिटल जेड इज इक्वल टू एम जेड डबल डॉट या जेड माइनस एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने वहां ध्यान दिया हुआ हो तो मैंने वहां ऐसे लिखा था कि पैरालेल कंपोनेंट थे, आप देख सकते हो उस टॉपिक को उठा के, मोशन ऑफ पार्टिकल को, वहां हमने पैरालेल कंपोनेंट लिए थे, यानी अगर एक्स एक्सिस के पैरालेल हुआ तो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरालेल हुआ तो ये होगा, एंड जेड एक्सिस की पैरालेल हुआ तो ये होगा। आज हम क्या करेंगे कि अगर एक्स वाई डायरेक्शन के साथ भी हुआ तो, या एक्स जेड डायरेक्शन के साथ भी हुआ तो, या फिर वाई जेड डायरेक्शन के साथ भी हुआ तो, मतलब जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक पढ़ा था वो था मोशन ऑफ पार्टिकल और वो पैरालेल कंपोनेंट के अंदर था। आज हमारे पास पैरालेल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस तीन डायरेक्शन और आ जाए, एक्स वाई प्लेन के साथ क्या रिलेशन है, वाई जेड प्लेन के साथ क्या रिलेशन है और जेड एक्स प्लेन के साथ क्या रिलेशन है। पहले वाले में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्सिस के पैरालेल, वाई एक्सिस के पैरालेल, जेड एक्सिस के पैरालेल, यानी ये इक्वेशंस तो हमारे पास होंगी ही होंगी, प्लस तीन इक्वेशंस हमारे पास और होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशंस का आप
डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम हमें यही बनाना है कि हमारे पास एक्स कॉम्पोनेंट है, ये हमारे पास वाई कॉम्पोनेंट है और ये हमारे पास है जेड कॉम्पोनेंट है। माना कि हमारे पास एक पार्टिकल है पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई एंड जेड। तो आप देख सकते हैं ये दूरी हमारे पास कितनी होगी, वाई डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिन से कितनी होगी, ये डिस्टेंस एक्स होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास है जेड होगी। एक्स एक्सिस के पैरालेल हमारे पास मोशन ऑफ पार्टिकल के अंदर जो इफेक्टिव फोर्सेस था एक प्रकार से वो क्या था, एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट बराबर जीरो। यानी यहां मैं क्या लिखूं, कैपिटल एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट, वाई डायरेक्शन की ओर कैपिटल वाई माइनस एम वाई डबल डॉट, एंड जेड डायरेक्शन की ओर कैपिटल जेड माइनस एम जेड डबल डॉट। तो सबसे पहले तो आप इसके डायग्राम को बनाएंगे कि हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम कौन है भाई, एक्स वाई और जेड, और इस पी के अंदर की ये क्या कि एड्रेस से है, आप इसे बनाना मत भाई, ये हमारे पास क्या है एक बॉडी है, ये हमारे पास क्या है एक बॉडी है, और ये पी क्या है उसके अंदर एक पार्टिकल है। ठीक है, पी हमारे पास क्या है एक पार्टिकल है। तो पीछे वाले लेक्चर के अंदर हम ये बात निकाल चुके हैं, वो हमारे पास केवल एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस की पैरेलल एंड जेड एक्सिस के पैरेलल था। आज हमारे पास अक्ष ये तीन तो रहेंगी रहेंगी, प्लस एक्स वाई प्लेन, प्लस वाई एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर देख के आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो कि लेट ए पार्टिकल पी एक्स वाई जेड। तो हम क्या लिखेंगे कि लिखो मेरे साथ साथ कि लेट ए पार्टिकल पी, लेट ए पार्टिकल पी और इसके कोऑर्डिनेट क्या है पार्टिकल के, स्मॉल एक्स वाई जेड, और इसका मास भी बता दो भाई, ऑफ मास स्मॉल एम, और ये गति कर रहा है, ऑफ मास एम मूविंग विद द बॉडी, मूविंग विद द। अब बताओ यहां पार्टिकल लिखूं या सिस्टम लिखूं या बॉडी लिखूं, तो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह कौन जा रही है, बॉल जा रही है। ये एक्स वाई जेड तो ऐसे कैसे रहेंगी, चाहे बॉल इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे वो इधर आ जाए चाहे वो इधर आ जाए, तो सिस्टम नहीं लिखोगे। और देखो ना पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल नहीं जाएगा, ये पार्टिकल एक्चुअली हमारे पास किसके अंदर है, एक बॉल के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, मूविंग विद द बॉडी। ऐसे छोटे छोटे वर्ड से आपके पास बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो हमने इसी डायग्राम के अंदर लिख के लिख दिया कि लेट स्मॉल पी एक्स वाई जेड और इसका मास क्या है, एम मूविंग विद द बॉडी। तो हमने लिखा लेट ए पार्टिकल पी, पी हमारे पास एक पार्टिकल है, ऑफ द मास एम मूविंग विद द बॉडी। अब आप इनको दर्शाओ, कैपिटल एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है, ये कॉम्पोनेंट्स हैं। किसके कॉम्पोनेंट है भाई, ये एक्सटर्नल फोर्सेस के। ध्यान दो, कैपिटल एक्स वाई जेड पिछले वाले टॉपिक में क्या थे, एक्सटर्नल फोर्सेस के कॉम्पोनेंट थे। तो सेकंड लाइन हम लगा के क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड बी द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बी द कॉम्पोनेंट, बी द कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, बी द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अलोंग, अलोंग अक्ष कौन सी डायरेक्शन में है, अक्ष वाई जेड अक्ष से रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः है। अब समझ जाओगे क्रमशः, ये अक्ष के है ये वाई के है जेड के, क्रमशः को इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बस इसके अंदर हमें केवल यही बातें दिखाई दिया। तो हमने कैपिटल एक्स वाई जेड को भी लिख डाला और पार्टिकल पी इसके मास एम आप लिख सकते हो, इसका मास क्या है एम, और ये किसी टाइम टी के ऊपर बातें हो रही है। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपके जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, यहाँ तक इसकी जो लैंग्वेज लिखी है मेरे हिसाब से आपके कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल जानते हैं। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं भाई, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते भाई, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अब डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को हम अप्लाई कैसे करेंगे, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को हम अप्लाई कैसे करेंगे। बताओ भाई, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या कहता है कि इफेक्टिव फोर्स, वास्तव में डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, इफेक्टिव फोर्स है वो किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्सेस के बराबर है।
इफेक्टिव फोर्स है, और इफेक्टिव भी कौन सा इफेक्टिव भाई, रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस। रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्सेस के। कभी कभी बाह्य फोर्स को हम अप्लाइड फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास यहाँ क्या है, कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है और कैपिटल जेड है। इफेक्टिव फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स डबल डॉट, एम वाई डबल डॉट और एम जेड डबल डॉट, ठीक है। अब देखो ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, इसके रिजल्टेंट को हमने क्या बोला था, स्मॉल एफ बोला था। ये वास्तव में किसके बराबर है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के बराबर है। अब इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये कितना बचेगा, एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट बराबर जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ साथ साथ कि नाउ बाई डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, नाउ बाई डी अलम्बर्ट, नाउ बाई डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, यानी अब हमें डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करना है, द फोर्सेस, नाउ बाई डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल से द फोर्सेस, कौन कौन सा फोर्सेस है, एक तो एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट, देखो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा, द फोर्सेस एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट, ये तो एक्स एक्सिस के पैरालेल है, वाई एक्सिस के पैरालेल वाई माइनस एम वाई डबल डॉट, एंड जेड एक्सिस की पैरालेल क्या है, जेड माइनस एम स्मॉल जेड डबल डॉट, ठीक है। ये किसके अलोंग है भाई, ये एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्टिवली हैं, अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली हैं, ठीक है, एक्स रिस्पेक्टिवली हैं। तब हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी, देन द इक्वेशन, देन द इक्वेशंस। देखो इसको या तो आप इसको इधर लेके जाओ या इसको इधर लेके जाओ, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। देखो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। या फिर आप देखो इसको आप क्या बोल सकते हो, क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि x प्लस माइनस एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस रिवर्स, माइनस साइन लगे ना तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस, और इन दोनों का अगर टोटल जीरो आ जाए। वास्तव में हमारे पास इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कई पिछले वाले लेक्चर भी चला गया और ये भी जाने को है, इसके अंदर मैं बताना भूलो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सारे फोर्स मिलके हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। बस सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम का अंदर मतलब टोटल फोर्स हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये हमारे पास स्टेट में रह जाएगी। तो अब यहाँ से आप देख के बोल सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्सेस एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम पोजिशंस, ठीक है, ओके। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए ये हमारे पास एक इक्वेशंस बन गया, देन द इक्वेशन से कैपिटल एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। दूसरी क्या आ जाएगी हमारे पास, कैपिटल वाई माइनस एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड कैपिटल जेड माइनस एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पर ये कितने पार्टिकल्स के लिए है भाई, केवल एक पार्टिकल p के लिए। अब मैं प्रत्येक पार्टिकल की बात करूंगा तो इसके क्या लगा दूं, समेशन। तो अगर मैं प्रत्येक पार्टिकल की बात करूं तो यहां हम क्या लगा देंगे, इसके समेशन। अगर मैं इसके ईच पार्टिकल की बात करूं तो हम यहाँ इसके क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। तो कुल मिला के आपको डी अलम्बर्ट्स का जो प्रिंसिपल है ये आपको इस हिसाब से आपको यादें रखना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, लास्ट ईयर मैंने ऐसे बताया था कि समेशन पी इज इक्वल टू समेशन एम एफ, या इसको ऐसे देखो समेशन पी प्लस समेशन माइनस एम एफ इज इक्वल टू जीरो। देखो ये भी एक प्रकार से फोर्स है और ये भी एक प्रकार से फोर्स है, भले ही ये एक्सटर्नल फोर्स हो और ये इफेक्टिव फोर्स हो, और ये क्या आ गए, जीरो। तो अब आप ध्यान में रखोगे कि जब टोटल फोर्सेस का सम हमारे पास जीरो बनता है तो वो हमारे पास कौन सी पोजिशन में रहता है भाई, वो इक्विलिब्रियम पोजिशंस के अंदर रहता है, ठीक है। अब देखो इसको देख के बोलो, ये वहाँ क्या था, एक्सटर्नल फोर्सेस, और एम एफ क्या था हमारे पास, इफेक्टिव फोर्सेस, और माइनस का साइन लग गया, इसका मतलब है रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस। तो
इक्विलिब्रियम एक्सटर्नल फोर्सेस और रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस हमेशा किसके अंदर रहते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर, या आप इसको उस साइड में ले जाके लिख सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार हमने इनके साथ किया है कि ये हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, माइनस एम एक्स डबल डॉट क्या है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस है, और ये इन दोनों का सम किसके बराबर है, जीरो। और टोटल पार्टिकल की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, इनके समेशन लगाएंगे, ठीक है। तो तीन फोर्सेस तो हमारे पास ये आ गए कि इसके इक्वल जीरो, इसके इक्वल जीरो, इसके इक्वल जीरो। इसको तो मैं मान के चलता हूं कि एक बार ये इक्वेशन नंबर वन है। एंड एंड लगा के अब हम यहां तीन इक्वेशंस और लिखेंगे, बस वही आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई। कौन कौन सा फोर्सेस, एक्स एक्सिस की पैरालेल, देखो ध्यान से डायग्राम में समझो, एक्स एक्सिस की पैरालेल, दूसरा वाई एक्सिस की पैरालेल, और तीसरा जेड एक्सिस की पैरालेल। एक तो पैरालेल हो गए। अब अगर फोर्स यहाँ, मतलब अब तक तो जो फोर्स आ रहा था वो एक्स वाली लाइन के ऊपर, वाई वाली लाइन के ऊपर और जेड वाली लाइन के ऊपर आया था। अब अगर फोर्सेस इस साइड में लगा तो यानी फोर्सेस एक्स वाई प्लेन के अंदर लग सकता है, फोर्सेस हमारे पास इस वाले प्लेन वाई जेड के अंदर लग सकता है, और फोर्सेस हमारे पास जेड एक्स प्लेन के अंदर ही लग सकता है। तो आपको जो तीन इक्वेशंस लिखनी है वो आपको इस प्रकार से लिखनी है कि ऐसे लिखो, चलो मैं लिख देता हूं पहले कि एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स, देखो एक्स इंटू वाई या माइनस वाई इंटू एक्स, y इंटू एक्स, और इस पूरे के क्या लगा हुआ है, समेसन इज इक्वल टू जीरो। पूरे के क्या लगा हुआ भाई, समेसन इज इक्वल टू जीरो। पहले ये तो आ गया x y प्लेन के लिए, दूसरा आ जाएगा हमारे पास y z प्लेन के लिए, तो वो आ जाएगा एम जेड डबल डॉट माइनस स्मॉल जेड, y और z चल रहा, तो ये आ जाएगा कैपिटल y माइनस एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, और ये आ जाएगा जेड माइनस एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। इन तीन इक्वेशंस को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशंस नंबर टू, और यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ। देखो आपको केवल एक बार स्टार, यानी ये आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको भाई ध्यान में रखनी है। वैसे ही मैं अभी याद करवा दूंगा इनको, पर हमारे पास कितने फोर्सेस लगेंगे टोटल, देखो एक तो इस लाइन के ऊपर फोर्सेस आ गया वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक हमारे पास इस लाइन के ऊपर आ गया वो हमारे पास वाई एक्सिस की पैरेलल, एक हमारे पास जेड एक्सिस के ऊपर आ गया वो जेड लाइन के पैरेलल। अब सडनली फोर्स एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर आएगा, तो देखो एक्स वाई प्लेन के अंदर आएगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि एक्स वाई और वाई एक्स बराबर है, या एक्स जेड प्लेन के अंदर लगेंगे तो हम बोलेंगे एक्स जेड और जेड एक्स बराबर है, और वाई जेड में लगेगा तो हम बोलेंगे कि वाई जेड जेड वाई के बराबर है, यानी इस वाले प्लेन के अंदर एक्स वाई वाई एक्स के बराबर, इस वाले प्लेन के अंदर हमारे पास वाई जेड जेड वाई के बराबर, और ये वाला प्लेन जेड एक्स और एक्स जेड के बराबर। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको छोटे बड़े करने हैं। छोटे बड़े कैसे, जैसे मान लो आपने यहाँ y को क्या कर दिया, कैपिटल, तो यहाँ आप x को कैपिटल करो, यहाँ आपने मान लो z को कैपिटल कर दिया तो यहाँ आप y को कैपिटल कर लो, और यहाँ x z को कैपिटल करो तो यहाँ आप कैपिटल x को कैपिटल कर लो। थोड़ी सी याद रखने की हिंट आ जाएगी कि एक्स वाई माइनस एक्स इजिकल टू वाई एक्स, वाई जेड इजिकल टू जेड वाई, प्लेन के अंदर ही तो एक्स वाई लिखे या वाई एक्स लिखे। अब आप बोलोगे कि ये वाला एक्स बड़ा होगा या वाई छोटा होगा, तो दोनों को बैलेंस बनाओ, एक बार एक्स को छोटा वाई को बड़ा, एक बार वाई को छोटा एक्स को बड़ा, फिर ऐसे ही वाई जेड जेड वाई, ऐसे एक्स जेड और जेड एक्स। अब बताओ इस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई माइनस वाई एक्स इजिकल टू जीरो, अगर ये इस साइड में आ जाएगा तो। अब आपके पास कैपिटल वाई की वैल्यू आप ऐसे लिख लो, अब आपको वाई को हम क्या लिखेंगे, वाई डबल डॉट, और एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स डबल डॉट। देखो यही मैंने लिखा था ना कि एक्स इंटू वाई को आप ऐसे लिख लेना बस, कैपिटल वाई माइनस एम वाई डबल डॉट, और माइनस वाई इंटू एक्स को आप क्या लिखोगे, कैपिटल एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट। ठीक इसी प्रकार वाई जेड, तो जेड को आप ऐसे लिख लो माइनस स्मॉल जेड वाई को, ऐसे जेड और एक्स। तो इससे क्या है कि आपको ये याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास तीन तो लाइन के ऊपर लगेगा एक्स वाई जेड, अब प्लेन के ऊपर बारी है एक्स वाई वाई एक्स,
YZ के ऊपर है तो YZ ZY और XY के ऊपर लाइन के ऊपर है तो XZ इज इक्वल टू ZX। अब मैं मान के चलूंगा कि आपको याद रखने की हिंट पता चल गई है, तो आप एग्जाम में इसे बड़े ही आसानी से ऐसे लिख ही सकते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपके नहीं आनी चाहिए। तीन इक्वेशन हमारे पास लाइन वाली होगी, तीन इक्वेशन हमारे पास XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन के लिए हो गई। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशनों को देखो हम नए नए फॉर्म में लिखेंगे और हर बार आपको याद रखना है ये केवल और केवल तीन इक्वेशंस। अब आपके पास प्योर मैथ है, आप आसानी से इस तीन इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हो। ड्राइव मतलब आप इसको खोल खोल के लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो नंबर वन हम मैं बोलूंगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन। अब आगे ये टॉपिक सिंपल है भाई, बस इसमें यही समझने वाली बात थी आपकी पढ़ी हुई थी, समेशन लगाया है ईच पार्टिकल की वजह से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या मैं इक्वेशन वन में ऐसे लिख सकता हूँ कि समेशन इसके साथ भी लगेगा और समेशन इसके साथ भी लगेगा? तो देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एम एक्स डबल डॉट है वो बराबर है समेशन एक्स के, और एम वाई डबल डॉट है वो बराबर है समेशन वाई के, और स्मॉल एम मतलब सिमिलर चलेंगे फिर तो ये बराबर है समेशन जेड के। अरे देखो ये समेशन एक्स इसके साथ लगा हुआ है, ये समेशन इसके साथ लगा हुआ है, इसको उधर ले जाओ। तो मैंने लिख दिया कि समेशन एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन एक्स, समेशन एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन वाई, समेशन एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन जेड। ऊपर वाली इक्वेशंस तीन हैं, इनको आप एक नया नाम दे दो, इक्वेशन वन टू और थ्री, और इसके बीच में दो लाइनें छोड़ना भाई। ठीक इसी प्रकार हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये तीन इक्वेशंस तो आ गई ना, इक्वेशन वन को तो हमने नए फॉर्म में ढाल लिया इस प्रकार से, और इन इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे, समेशन एक्स, देखो इस एक से समझो, मैं इधर रफली करके बता देता हूँ, इसको हम कैसे लिखेंगे, समेशन एक्स कैपिटल वाई माइनस समेशन एम वाई डबल डॉट। देख लो एक बार ध्यान से, मैं इसे ऊपर वाली इक्वेशंस के क्या लगा रहा हूँ, समेशन ओपन कर रहा हूँ, तो समेशन एक्स वाई माइनस, देखो ये एक्स इसके साथ भी आएगा ना, देखो समेशन एक्स वाई माइनस एम एक्स डबल डॉट वाई माइनस एम एक्स वाई डबल डॉट, फिर ये आ जाएगा समेशन तो साथ लगेगा ही, वाई का किसके साथ आ जाएगा, एक्स के साथ, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वाई का एम है वाई का एक्स डबल डॉट के साथ है, और इक्वल में क्या आ गया हमारे पास है जीरो आ गया। देखो समेशन तो सबके साथ है, एक्स वाई माइनस एम एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई कैपिटल एक्स माइनस माइनस प्लस एम वाई एक्स डबल डॉट। इसमें अब आप क्या करो, एम वाले एक जगह ले लो, एम वाले हम क्या करेंगे, एक जगह ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, समेशन एम पहले इसको लिख लेता हूं मैं वाई एक्स डबल डॉट माइनस एक्स वाई डबल डॉट। देखो हमने क्या किया, समेशन एम वाई एक्स डबल डॉट, या फिर इसको एक काम करो इन दोनों को इधर ले जाओ, एक ही बात आप कैसे भी कर सकते हो, पर इसे क्या कि एक सिमिलरिटी रह जाएगी, समेशन से वाई एक्स इज इक्वल टू ये इधर जाके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें ऐसे बोल सकता हूँ कि समेशन बाहर ले लिया तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स, और इसके अंदर समेशन एम बाहर ले लिया तो एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट। तो इनको इधर ले जाने से ये फायदा हुआ कि एक्स वाई वाई एक्स में आ गए, या फिर दोनों में माइनस साइन कॉमन लेके फिर वापस ले आते, आना तो हमारे पास है ये ही था। तो मतलब इस इक्वेशन के साथ हमने क्या कर दिया कि कैसे लिख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन, देखो इसके बीच में एक बार दो लाइनें छोड़ना, हम यहाँ कोई बातें लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन से टू, इक्वेशन टू को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इस वाली इक्वेशन को कि समेशन एम, एम वाले पहले ले लो, कि समेशन एम एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई कैपिटल एक्स। तो ये तो एक्स वाई थे, एक्स वाई से स्टार्ट हो गया, सिमिलरली वाई जेड से हैं तो वाई जेड से आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट, पहले वाले में एक्स वाई वाई एक्स, सबकी बार वाई जेड जेड वाई,
तो यहाँ कितना चल रहे हैं वाई और जेड ए माइनस स्मॉल जेड और ए वाई। बताओ तीसरी क्या आ जाएगी, जेड एक्स चल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, या फिर इसके नीचे से देख के लिख सकते हो कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट और एक्स डबल डॉट वाई जेड एक्स एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट और जेड डबल डॉट, और ये एक्स वाई जेड और ये कैपिटल एक्स वाई जेड एक्स और ये कैपिटल जेड। इसको हम नाम दे देंगे आगे वाला इक्वेशन से फोर, ठीक है। यानी हमने इक्वेशन वन से इक्वेशन थ्री निकाल लिया और इक्वेशन टू से हमने इक्वेशन से फोर निकाल लिया, और कैलकुलेशन है, और देखो भाई खुद के हाथ से करके देखोगे या फिर आप साथ साथ करते रहो ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। यस, साथ साथ करते रहो ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। मतलब ये भी हमारे पास कुल मिला के क्या है भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ ए मोशन है। मैं पहले लिखना भूल गया भाई, आपने जहाँ इक्वेशन वन लिखा था ना और इक्वेशंस टू, वहां लिख लो कि इक्वेशंस वन एंड टू आर कॉल्ड या इज नोन एज इज कॉल्ड जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशन, ठीक है। मतलब हमने वो दो इक्वेशन है उससे दोनों इक्वेशन वन से नई इक्वेशन इक्वेशन थ्री निकाल लाए और इक्वेशन टू से हम इक्वेशन से फोर निकाल के ले आए। अब देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन थ्री है ये क्या कहलाएगी, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं कि इक्वेशन थ्री सो दैट, इक्वेशन थ्री सो दैट, मैंने जो दो लाइन छुटवाई थी वहां लिखो इक्वेशन थ्री सो दैट द सम ऑफ द इफेक्टिव फोर्स, the sum of the sum of the effective force, the sum of the effective force components parallel to components parallel to, ये आपको ध्यान में रखना ही होगा भाई, components parallel to the coordinate, वैसे मैं याद रखवाने का हर का तरीका बताता हूँ तो इसका भी बताएंगे, टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल टू, एक्सिस आर इक्वल टू, इक्वल क्या आप ऐसे बॉक्स बना लेना अपनी सुविधा की दृष्टि से, एग्जाम में बनाना मत, आर इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटर्नल, टू द सम ऑफ एक्सटर्नल, टू द सम ऑफ एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड फोर्स, इम्प्रेस फोर्स कॉम्पोनेंट्स पैरालेल टू, कॉम्पोनेंट्स पैरालेल, कॉम्पोनेंट्स पैरालेल टू द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वेशन थ्री के लिए तो ऐसे लिखना है, एंड लिखेंगे इक्वेशंस फोर इज नॉन एज, या इक्वेशन फोर सो दैट, इक्वेशन फोर ये इसके नीचे लिखोगे भाई, इक्वेशन फोर सो दैट द सम ऑफ द मोमेंटम, द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस, ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल टू, आर इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम, द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द एक्सटर्नल इम्प्रेस, ऑफ द एक्सटर्नल इम्प्रेस फोर्स अबाउट द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, अबाउट द सेम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस। यस, ये आपको इक्वेशन थ्री के लिए लिखना है और ये आपको इक्वेशन से फोर के लिए लिखना है, ठीक है भाई। देखो अब इस लाइन को एक बार पढ़ के देखो क्या कह रही है, इक्वेशन थ्री सो दैट द सम ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस। बताओ इफेक्टिव फोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं भाई,
अब तो ये याद रखो, ये कैपिटल एक्स वाई जेड है, ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बचे हुए हमारे पास से क्या हैं, इफेक्टिव फोर्स हैं। तो समेशन लग गया, इसका मतलब ये ऐसे था भाई एक प्रकार से कि एम वन एक्स डबल डॉट प्लस एम टू एक्स डबल डॉट प्लस एम थ्री एक्स डबल डॉट, फिर एक्स डॉट कॉमन आ जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, और ये बन के हमारे पास समेशन बन गया। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, इनका सम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन थ्री सो दैट द सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, सम ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस कॉम्पोनेंट टू पैरालेल द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताओ पहले वाली ये जो तीन लाइन थी, ये हमारे पास इसके लिए कोऑर्डिनेट पैरालेल वाली थी कि नहीं, तो हमने क्या लिख लिया, इक्वेशंस थ्री सो दैट द सम ऑफ द इफेक्टिव फोर्स कॉम्पोनेंट्स पैरालेल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल टू, ये किसके इक्वल है भाई, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो आर इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटर्नल इंप्रेस फोर्स, और ये भी किसके पैरालेल हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के, मतलब बात तो वही पैरालेल की चल रही है एक्स वाई और जेड के अंदर। तो इसको हम लैंग्वेज में देख के क्या लिखेंगे कि इक्वेशन थ्री सो दैट द सम ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस कॉम्पोनेंट्स पैरालेल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटर्नल इंप्रेस फोर्स, या एक्सटर्नल इंप्रेस अगर नहीं याद है एग्जाम में तो काट भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस से कंपोनेंट पैरालेल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ऊपर वाली तीन हमारे पास पैरालेल थी और नीचे वाली तीन हमारे पास एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन थी, इसके लिए हम पैरालेल नहीं लिख सकते। तो इसको क्या लिख दिया, इक्वेशन फोर को, इक्वेशन फोर सो दैट द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस, देखो ये रहे इफेक्टिव फोर्सेस, ये क्या है भाई हमारे पास है इफेक्टिव फोर्सेस अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब की बार देखो पैरालेल वर्ड खा गए ना, खाना ही था क्योंकि ये ऊपर वाले तीन पैरालेल के था, तो अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल टू द सम ऑफ, आर इक्वल टू द सम ऑफ, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द एक्सटर्नल इंप्रेस फोर्स, या इंप्रेस हटा भी सकते हो कोई बड़ी बात नहीं, सम ऑफ है ये क्या है, कैपिटल एक्स वाई जेड क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी सेम एक्स वाई के लिए, वाई जेड के लिए और जेड एक्स के लिए। अब देखो हमारे पास ये मोमेंट क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंट नाम सुना, संवेग, हिंदी के अंदर संवेग, क्या लिखा करते थे भाई, पी बराबर एम वी, क्या लिखा करते थे भाई, पी बराबर एम वी, तो कहीं ना कहीं ये एम है और ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट का काम करेगा। वेलोसिटी क्या होती है भाई, चेंज इन, मतलब उसके वेग क्या होता है हमारे पास, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक प्रकार से इनका डिस्प्लेसमेंट में चेंज का परिवर्तन को शो कर रहा है। यानी कुल मिला के आपको ये यहाँ से देख के लिखना है कि द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस ऑफ द अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ एक्सटर्नल इंप्रेस्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक तो हमारे पास इक्वेशंस थ्री को हमने इस प्रकार लिख दिया और एक हमने इक्वेशंस फोर को इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशंस थ्री को, अब देखो हम इक्वेशंस थ्री को दोबारा लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि समेशन एम एक्स, देखो इसको दोबारा से हम काम में लेंगे, क्या है भाई हमारे पास एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन एक्स और ये समेशन एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन कैपिटल वाई और समेशन एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन जेड। ये तो हमारे पास क्या थी भाई, इक्वेशन से थ्री थी और हमने लिख दिया कि देखो भाई इक्वेशन थ्री सो दैट और ये इस प्रकार से हमको शो कर रही है। एक तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थ्री, अब हम देखो एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं, इक्वेशन फोर हमारे पास क्या है, समेशन एम वाई जेड डबल डॉट वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस वाई एक्स। दूसरा क्या है हमारे पास वाई जेड के बाद एक्स वाई, पहला है देखो इसके अंदर एक्स वाई, पहला इसके अंदर क्या है एक्स वाई माइनस वाई एक्स, पहला इसके अंदर क्या है भाई एक्स वाई माइनस वाई एक्स, दूसरा इसके अंदर क्या है वाई जेड
माइनस जेड वाई, और तीसरा क्या आ जाएगा इसके अंदर, जेड एक्स। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, जेड एक्स माइनस एक्स जेड। मतलब एक बार हमने इक्वेशंस 3 को और इक्वेशंस 4 को एक जैसा लिख लिया है, ठीक है। तो ये दूर दूर तक आराम से दिखाई दे रही है। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशंस 3 की लैंग्वेज मैंने जो लिखी है वो याद रखनी है, और इक्वेशंस 4 की जो लैंग्वेज लिखी है वो भी आपको, मतलब ये क्या है, मोमेंटम ऑफ इफेक्टिव फोर्स और एक्सटर्नल इफेक्ट, मतलब एक तो आ रहा है एक्सटर्नल इम्प्रेस फोर्स और एक आ रहा है इफेक्टिव फोर्सेस। अब देखो, नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 3, नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 3। अब क्या हम इक्वेशंस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भाई? वास्तव में देखो, इक्वेशन 3 में ये क्या है हमारे पास है, समेशन एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन एक्स। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि डी बटा डी टी एम एक्स डॉट इज इक्वल टू समेशन एक्स। देखो ये तो रह गया ऐसा कैसा, ये एक प्रकार से क्या दो डॉट लगी हुई है, या अगर मैं इसका एक डॉट हटा के क्या मैं डी बटा डी टी लिख सकता हूँ क्या? यस श्योर है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोबारा क्या जाएगा, डबल डॉट। अरे भाई ये क्या है, ये डी टू एक्स बटा डी टी स्क्वायर ही तो है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम डी बटा डी टी डी एक्स बटा डी टी, और d बटा dt को मैंने ले लिया बाहर, समेशन m लगे, dx बटा dt को मैंने x डॉट लिख लिया। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहने का दो डॉट हटा के और एक डॉट के लिए आप d बटा dt बाहर ले सकते हो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, d बटा dt। इक्वेशन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, d बटा dt समेशन m x डॉट इज इक्वल टू समेशन x। दूसरा क्या लिख सकते हैं भाई, डी बटा डी टी समेसन एम, इसका भी एक डॉट हटा दो, मतलब बाकी तीन दो तो हमारे पास समांतर चलेंगी इसके। तीसरा आ जाएगा हमारे पास डी बटा डी टी एम जेड डॉट इज इक्वल टू समेसन जेड, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशंस नंबर 5। ठीक इसी प्रकार इसका डबल डॉट हटाएंगे तो एक डॉट हट जाएगा, डी टी बाहर आ जाएगा, इसका भी एक डबल डॉट हट जाएगा, डी टी बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ कोई डी टी वी टी नहीं लगेगा क्योंकि इसके ऊपर डॉट वॉट है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 4, अगेन फ्रॉम इक्वेशंस 4, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4, इसको क्या लिखेंगे भाई, डी बटा डी टी समेसन एम, डी बटा डी टी समेसन एम एक्स, वाई डबल डॉट था, एक डॉट खा जाओ आप और बाहर इसको लिख दो डी टी, ये कितना आ जाएगा, वाई एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू समेसन एक्स कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू कैपिटल एक्स। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरा क्या आ जाएगा, डी बटा डी टी, डी बटा डी टी, और ये समेसन एक्स वाई के बाद वाई जेड, यानी एक एक डॉट आप हटा दोगे तो जेड वाई डॉट इज इक्वल टू वाई कैपिटल जेड माइनस जेड कैपिटल वाई। और तीसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, डी बटा डी टी समेसन एम एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड, यानी एक एक डॉट हटाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशंस नंबर 6। तो इसके अंदर और उसके अंदर भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम है, बस दो दो डॉट को हटा के और लिखने का तरीका बदल दिया। देखो इनकी दो दो डॉट को हटा के लिखने का केवल और केवल तरीका बदला है। तो ये तीनों इक्वेशन यानी एग्जाम में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समझ गए ना भाई? एक घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो जाओ, बट मुद्दा ये नहीं है, एमएससी है, टाइम तो देखो देना ही पड़ेगा इसके अंदर, बट समझ में आना चाहिए। तो अब बताओ डी बटा डी टी ऐसे लिख सकते हैं, 3 और 4 भी ठीक थी और 1 और 2 भी ठीक, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तीनों इक्वेशन हमारे पास एक जैसी ही हैं, अलग अलग इसके क्या हो गए, नाम हो गए, ठीक है। अब देखो डी बटा डी टी की वजह से अब इक्वेशन 5 को क्या बोलोगे, तो आप लिखोगे कि इक्वेशन 5 सो दैट, देखो इनको नाम देना बहुत जरूरी है, क्या बोलेंगे, इक्वेशंस 5 सो दैट, देखो डी बटा डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और आगे हम लिख देंगे ऐसा का ऐसा। तो हम क्या जाएगा, इक्वेशंस 5 सो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले वाले में केवल मोमेंटम था, इसके अंदर आगे क्या गया, लीनियर मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू,
इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू, और अपनी पहचान हो जाए, इसलिए आप इक्वल को आप गोले में ले लेना, एग्जाम में गोले में लिखना मत, इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस, द टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस इन द इन दैट डायरेक्शन। यानी अब की बार हमारे पास कोई रोल्स नहीं है पैरेलल वगैरह का, ये हमारे पास क्या कहला जाएगा भाई, मोमेंटम कहला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ है लीनियर मोमेंटम। बस ये ध्यान रखना, लीनियर मोमेंटम के लिए कोई डायरेक्शंस नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में हो, इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस इन दैट डायरेक्शन। यानी वही इंटरनल और एक्सटर्नल, सॉरी इफेक्टिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस की बात बतानी है। अब की बार इफेक्टिव फोर्स को हमने लिख दिया लीनियर मोमेंटम के वर्ड के रूप में। ठीक इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इक्वेशन सिक्स सो दैट, इसको हम क्या लिखेंगे भाई, इक्वेशन सिक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, इक्वेशन सिक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ। देखो डी बटा डी टी की वजह से, डी बटा डी टी की वजह से ये तो आप लगा ही देना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम, ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। आगे चल के कोई भी इक्वेशन का कहीं भी नाम आ सकता है भाई। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी फिक्स एक्सेस, अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सेस, फिक्स्ड एक्सिस इज इक्वल टू, एक्सिस इज इक्वल टू, और हर बार याद रखने के लिए आप इक्वल को आप गोले में ले लेना, टू द टोटल मोमेंटम, टू द टोटल मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट दैट एक्सिस, अबाउट दैट एक्सिस। यस, तो ये मैंने नाम देख के लिखे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि देखो भाई मेरे ये याद नहीं रहे, मैंने देख के लिख दिए। सपोज करो मान लो मैं बिना देखे याद करके भी लिख देता इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले, तो भी आप क्या कर लेते भाई, आपको तो याद रखना ही है ना। ठीक है, तो मैं सोचा चलो दो लाइन देख के लिख देंगे तो कोई वर्ड्स में गलती नहीं रहेगी। तो क्या आ गया भाई, इक्वेशन फाइव मतलब डी बटा डी टी की वजह से आप क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ जरूर लगा देना। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम बन जाएगा और ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ है एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। ये तो फिक्स है और ये क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ये किसी भी डायरेक्शन के लिए लीनियर हो सकता है और एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा फिक्स होता है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये जैसे ही मान लो कोई डायरेक्शन में घूमेगी बॉडी तो ओरिजिन पॉइंट से इसको किसी एंगल से बांध के रखेगा, जो हम आगे आने वाले चैप्टर 3 के अंदर इसका डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब आज आपने जो सीखी है इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्या सीखी है भाई आपने, इक्वेशन 1 से 6। अब लास्ट में लिख लो कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक बात, या फिर इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 ये भी एक बात, या फिर इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, यानी ये तीनों इक्वेशंस एक जैसी हैं, इज कॉल्ड, ये सभी क्या कहलाती हैं, जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशन, जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशन। यानी हम एग्जाम के अंदर इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी एक इक्वेशन हम कहीं से भी काम में ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आज हमारे पास लेक्चर के अंदर, एक तो डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल का प्रूफ, जो लेक्चर 1 देखना इससे पहले कंपलसरी है, और ये हमारे पास क्या होगा, दूसरा टॉपिक जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ है। तब तक आप इसकी 2 बार 3 बार जितना टाइम इसको रफ कॉपी में लिखने को दे सको पहले याद करो, और बार बार इस चीज बातों को लिखोगे तो आपकी इंग्लिश में भी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आपके अच्छे से भी यादें हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में।